नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार उन पर हमलावर हैं। पहले राज ठाकरे गो बैक के नारे, उसके बाद उन्होंने अब राज ठाकरे को धमकी दे डाली है। क्या धमकी दी है बीजेपी सांसद ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। मनसे प्रमुख को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने वाले चेतावनी दे रहे ब्रजभूषण ने अब उनसे दो दो हाथ करने की धमकी दे डाली है। सुल्तानपुर पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को लेकर कहा कि अगर किसी संयोग से राज ठाकरे उन्हें कहीं मिल जाते हैं तो वो उनसे दो दो हाथ कर लेंगे। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लंबुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान मनसे प्रमुख के खिलाफ इस कदर मोर्चा खोले जाने को लेकर सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि राज ठाकरे से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है कि वो मुझे कोई व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा सके। काश कोई ऐसा सहयोग बनता कि राज ठाकरे मुझे कहीं मिल जाता तो दो दो हाथ जरूर कर लेता। दरअसल उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह काफी आक्रोशित है। आगामी 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, जिसे लेकर ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें यहां न आने के लिए लगातार जनसंपर्क और रैली करके अपनी मुहिम के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लंबुआ तहसील के सर्वोदय इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक राज ठाकरे अपने बयान से माफी न मांग ले तब तक उत्तर प्रदेश की धरती पर उन्हें उतरने का कोई हक नहीं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे के विवादित बयानों को लेकर कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगातार ही मोर्चा खोल रखा है। राज ठाकरे आगामी 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं, वहीं ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें यहां न आने देने की कसम खा रखी है। अपनी इस मुहिम के लिए समर्थन जुटाने की खातिर वो लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।